हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका बाईपी एजुकेशन ट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको ज्ञात है, यह सब्जेक्ट कृषि अभियंत्रण है, कृषि अभियंत्रण चल रहा है। कृषि अभियंत्रण के हमने 1 से लेकर 50 तक जो क्वेश्चन है वो लगा लिए हैं और 50 से 100 तक हम इस वीडियो में लगाएंगे। ठीक है, 50 से 100 तक हम इस वीडियो में लगाएंगे। तो आपको बताना चाहेंगे कि आप हमारे चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर लें, बराबर में बेल आइकन की घंटी है उसको भी प्रेस कर लें। इससे क्या होगा कि जब भी हम वीडियो को अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा। तो करते हैं बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत। क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित में किस हैरो का प्रयोग सबसे अधिक हो रहा है। क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से, निम्न का मतलब है जो 4 विकल्प है उनमें से किस हैरो का प्रयोग सबसे अधिक हो रहा है। ए ऑप्शन है कमानीदार हैरो, बी ऑप्शन है खूंटीदार हैरो, सी ऑप्शन है निकोनिया हैरो और डी ऑप्शन है डिस्क हैरो। तो क्वेश्चन नंबर 51 की अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, डिस्क हैरो इसका प्रयोग सबसे ज़्यादा हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 52, सीड ड्रिल में बीज को चलाने का कार्य करते हैं। सीड ड्रिल में बीज को चलाने का कार्य करते हैं ए ऑप्शन है लीवर, बी ऑप्शन है गेयर, सी ऑप्शन है रेचिट, टी ऑप्शन है बिलोडक। तो क्वेश्चन नंबर 52 का आपको करेक्ट आंसर बताना है। तो सीड ड्रिल में बीज को चलाने का कार्य करते हैं बिलोडक, डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53, इस क्वेश्चन को समझिए। निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग बुवाई के लिए नहीं किया जाता है। यहाँ पर देखिए दे रखा है नहीं किया जाता है। ए ऑप्शन है पंजाब हल, बी ऑप्शन है देसी हल, सी ऑप्शन है डिबलर और डी ऑप्शन है बाबा कल्टीवेटर। तो क्वेश्चन नंबर 53 का करेक्ट आंसर आपको बताना है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसके अगर राइट आंसर की बात करें तो देखिए पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, पंजाब हल। नेक्स्ट है क्वेश्चन 54, रेपर में कटर बार की गति होती है। रेपर में कटर बार की गति होती है, ए ऑप्शन है रोटरी गति, बी ऑप्शन है ऊर्ध्वाधर गति, सी ऑप्शन है रेसिप्रोकेटिंग गति और डी ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 54 करेक्ट आंसर आपको बताना है। रीपर में कटर बार की जो गति होती है वो होती है रेसिप्रोकेटिंग गति, सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलते हैं आगे की ओर। क्वेश्चन नंबर 55 भी आपकी स्क्रीन पर लग चुका है। वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं करा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो की लिंक को अपने सभी दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55 पर। क्वेश्चन कह रहा है बीज मापने की विधि है तो कौन सी विधि है। ए ऑप्शन है कप फील्ड टाइप, बी ऑप्शन है इंटरनल डबल रन टाइप, सी ऑप्शन है फ्लोटेड रोलर टाइप, डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 55 का करेक्ट आंसर आपको बताना है, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसमें हो जाएगा बिल्कुल सही हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 56 में है रीपर में लगे पिटमैन का प्रयोग प्रमुख कार्य है। रीपर में लगे पिटमैन का प्रमुख कार्य है, ए ऑप्शन है पहियों का चलाना, बी ऑप्शन है कटर बार को ऊपर उठाना, सी ऑप्शन है फसल को इकट्ठा करना और डी ऑप्शन है रेपर की कटर बार को क्रैक व्हील से जोड़ना। क्वेश्चन नंबर 56 का आपको करेक्ट आंसर बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो रीपर में लगे पिटमैन का प्रमुख कार्य है रीपर की कटर बार को क्रैक व्हील से जोड़ना, यह जो डी वाला ऑप्शन है ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57 पाउल और रेचिट का कार्य है। क्वेश्चन क्या है, पाउल और रेचिट का कार्य है, ए ऑप्शन है खाद की मात्रा का नियंत्रण करना, बी ऑप्शन है बीज की मात्रा का नियंत्रण करना, सी ऑप्शन है गहराई का नियंत्रण करना और डी ऑप्शन है बीज ड्रिल के खेत में मुड़ते समय बीज गिराने की क्रिया का जारी रखना। क्वेश्चन नंबर 57 करेक्ट आंसर आपको बता है, 57 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ये बीज ड्रिल के खेत में मुड़ते समय बीज गिरने की क्रिया का जारी रखना। क्वेश्चन नंबर 58
पावर टेलर की अशुशक्ति होती है। तो पावर टेलर की अशुशक्ति कितनी होती है? ए ऑप्शन है 20 से 35 HP, बी ऑप्शन है 25 से 30 HP और सी ऑप्शन है 20 से 25 HP, डी ऑप्शन है 2 से 12 HP। तो क्वेश्चन नंबर 58 का करेक्ट आंसर आपको बताना है, इसका राइट आंसर क्या होगा। पावर टेलर की अश्वशक्ति जो होगी वो होगी 2 से 12 HP। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59, थ्रेसर में दाना टूटने का प्रमुख कारण है, थ्रेसर में दाना टूटने का प्रमुख कारण क्या है? ए ऑप्शन है सिलेंडर की अधिक गति, बी ऑप्शन है सिलेंडर की कम गति, सी ऑप्शन है सिलेंडर और कोन केप के बीच में रिक्त स्थान अधिक है, डी ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 59 का करेक्ट आंसर आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो थ्रेसर में दाना टूटने का प्रमुख कारण है सिलेंडर की अधिक गति, क्या हो जाएगा? सिलेंडर की अधिक गति। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60, देखिए 60वां क्वेश्चन भी आपकी स्क्रीन पे लग चुका है। पैड़ी थ्रेसर प्रयोग किया जाता है। ए ऑप्शन है धान की मड़ाई के लिए, बी ऑप्शन है गेहूं की मड़ाई के लिए, सी ऑप्शन है जौ की मड़ाई के लिए और डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 60 का आपको करेक्ट आंसर बताना है। पैड़ी थ्रेसर प्रयोग किया जाता है तो धान की मड़ाई के लिए पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। आपको एक सूचना दे दें, देखिए सूचना है, ये जो PDF है ना, ये PDF आपके व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर दी जाएगी। जो यूपी कैडेट का व्हाट्सएप ग्रुप चल रहा है उस व्हाट्सएप ग्रुप में इसकी PDF सेंड कर दी जाएगी और जो थ्रीटिकल वाले जो नोट्स मैं आपको दे रहा हूँ वो थ्रीडी वाले नोट्स भी आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड कर दिए जाएंगे। आप इस बात की टेंशन ना लें, आप वीडियो को शुरू से लेके लास्ट तक देखना, तभी आपके कुछ समझ में वीडियो आएगी। सारे क्वेश्चन आपको यूपी कैडेट के एग्जाम में जो भी क्वेश्चन बनेंगे वो यहीं से आपको देखने को मिलेंगे। तो आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है पेड़ी थ्रेसर सिलेंडर किस टाइप का होता है? ए ऑप्शन है हैवर मिल टाइप, बी ऑप्शन है बोल्ट टाइप, सी ऑप्शन है एंगल बार टाइप और डी ऑप्शन है लूप वायर टाइप। देखिए यहाँ पे सी होना चाहिए, कोई बात नहीं है, टाइपिंग में मिस्टेक हो गई है। क्वेश्चन नंबर 61 की बात करें हम तो 61 में देखिए डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, लूप वायर टाइप, ये वाला ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है मोटर में लेजर प्लेट लगी होती है, मोटर में लेजर प्लेट लगी होती है। ए ऑप्शन है पिटमैन में, बी ऑप्शन है गियर बॉक्स में, सी ऑप्शन है बाहरी शू के साथ और डी ऑप्शन है गार्ड से। क्वेश्चन नंबर 62 का करेक्ट आंसर आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 62, मोटर में लेजर प्लेट लगी होती है गार्ड से, इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 63 है मोटर गार्ड का प्रमुख कार्य है, मोटर गार्ड है इसका प्रमुख कार्य क्या है? ए ऑप्शन है पहिए को गति देना, बी ऑप्शन है कटर बार का ऊपर उठाना, सी ऑप्शन है पिटमैन की रक्षा करना और डी ऑप्शन है कटर बार की रक्षा करना। तो क्वेश्चन नंबर 63 है, इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है, इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 63, अगर हम मोटर गार्ड का प्रमुख कार्य की बात करें तो कटर बार की रक्षा करना, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है पावर थ्रेसर का RPM होता है, जो पावर थ्रेसर है इसका RPM होता है। ए ऑप्शन है 200 चक्कर प्रति मिनट, बी ऑप्शन है 400 चक्कर प्रति मिनट, सी ऑप्शन है 800 चक्कर प्रति मिनट और डी ऑप्शन है 1000 चक्कर प्रति मिनट। तो 64 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा 800 चक्कर प्रति मिनट, पावर थ्रेसर का RPM होता है 800 चक्कर प्रति मिनट। क्वेश्चन नंबर 65वां क्वेश्चन है थ्रेसर का आकार निर्धारित किया जाता है, देखिए थ्रेसर का आकार निर्धारित किया जाता है। ए ऑप्शन है मंडाई ड्रम की परिधि द्वारा, बी ऑप्शन है थ्रेसर के चक्कर द्वारा, सी ऑप्शन है सिलेंडर और एक्स्ट्रा रेक की चौड़ाई द्वारा, डी ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जल्दी से बताना है, एक ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है, सही वाला ऑप्शन आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 65 का आपको करेक्ट आंसर बताना है, थ्रेसर का आकार निर्धारित किया जाता है सिलेंडर और एक्स्ट्रा रेक की चौड़ाई के द्वारा,
सी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66, ट्रैक्टर में हाइड्रोलिक का क्या कार्य है? देखिए ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर में हाइड्रोलिक का कार्य पूछ रहा है, ये आपको बताना है। तो ए ऑप्शन है कृषि यंत्रों को ऊपर नीचे उठाना व गिराना, बी ऑप्शन है गियर बदलना, सी ऑप्शन है इंजन को रोकना और डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 66 का करेक्ट आंसर आपको बताना है, ट्रैक्टर में हाइड्रोलिक का जो कार्य होता है वो होता है कृषि यंत्रों को ऊपर नीचे उठाना व गिराना, यानी ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67 नंबर क्वेश्चन। देखिए अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं करा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और वीडियो को लाइक करने के साथ साथ वीडियो की लिंक को अपने सभी दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए, ताकि हर स्टूडेंट घर बैठे अपनी अच्छे से तैयारी कर सके। क्लैच का प्रमुख कार्य है, तो ए ऑप्शन है ट्रैक्टर को रोकने के लिए, बी ऑप्शन है गियर बदलने के लिए, सी ऑप्शन है इंजन की शक्ति को ट्रांसमिशन से अलग करने के लिए, और डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 67 का करेक्ट आंसर आपको बताना है, इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 67, तो 67 का देखिए उपरोक्त सभी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68, ट्रैक्टर की पीटीओ शॉफ्ट के चक्कर होते हैं, तो ट्रैक्टर की पीटीओ शॉफ्ट के चक्कर होते हैं, ये कह रहा है 250 प्लस माइनस दे रहा है, यानी प्लस भी हो सकता है 250 में 50 और माइनस भी हो सकता है। तो इसमें से करेक्ट आंसर आपको बताना है, चारों ऑप्शन आपके सामने हैं, पढ़ लीजिए। और जो चौथा इसका जो 68 नंबर क्वेश्चन है, इसका अगर मैं करेक्ट आंसर की बात करूं तो इसका चौथा वाला ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, 540 प्लस माइनस 10 चौथा वाला ऑप्शन, यानी डी वाला ऑप्शन ये बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 69, बूट सीट ड्रिल में लगा होता है, बूट सीट ड्रिल में लगा होता है, ए ऑप्शन है बीच नलका के नीचे, बी ऑप्शन है बीच के बक्से में, सी ऑप्शन है पहिए के साथ और डी ऑप्शन है लीवर के साथ। तो क्वेश्चन नंबर 69 का करेक्ट आंसर आपको बताना है, 69 का करेक्ट आंसर क्या होगा। बूट सीट ड्रिल में लगा होता है बीच नलका के नीचे, यानी ए वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70, देखिए क्वेश्चन नंबर 70 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 70 कह रहा है डिबलर में खूंटियों की संख्या होती है, जो डिबलर है डिबलर में खूंटियों की संख्या होती है, ए ऑप्शन है 17, बी ऑप्शन है 27, सी ऑप्शन है 32 और डी ऑप्शन है 47। क्वेश्चन नंबर 70 का करेक्ट आंसर आपको बताना है, क्वेश्चन नंबर 70 की बात करें तो डिबलर में खूंटियों की संख्या होती है वो होती है 27, बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 71, सीड ड्रिल कैलिब्रेशन से ज्ञात किया जाता है, ए ऑप्शन है बीज बोने की गहराई, बी ऑप्शन है बीज दर, सी ऑप्शन है सीड ड्रिल की कार्य क्षमता और डी ऑप्शन है बीज से बीज की दूरी, बीज से बीज की दूरी। तो क्वेश्चन नंबर 71 का करेक्ट आंसर आपको बताना है, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 71 का बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, बीज दर, सीड ड्रिल कैलिब्रेशन से ज्ञात किया जाता है बीज दर। क्वेश्चन नंबर 72, सीड ड्रिल की मरम्मत तथा रख रखाव के लिए प्रारंभिक मूल्य का कितना प्रतिशत व्यय किया जाता है, ए ऑप्शन है 0.5%, बी ऑप्शन है 1.5%, सी ऑप्शन है 2.5% और डी ऑप्शन है 3.0%। तो क्वेश्चन नंबर 72 का करेक्ट आंसर आपको बताना है, तो इसमें हो जाएगा बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, 1.5%। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 73 पर, क्वेश्चन नंबर 73 समझिए, मशीनों की चिकनाई के लिए प्रारंभिक मूल्य का कितना प्रतिशत व्यय किया जाता है, तो मशीनों की चिकनाई के लिए प्रारंभिक मूल्य का कितना प्रतिशत व्यय किया जाता है, ए ऑप्शन है 0.5%, बी ऑप्शन है 1.5%, सी ऑप्शन है 2%, डी ऑप्शन है 2.5%, यानी 2.5%। तो क्वेश्चन नंबर 73 का करेक्ट आंसर आपको बताना है, अगर हम क्वेश्चन नंबर 73 की करेक्ट आंसर की बात करें तो 0.5% इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74, चलिए अब मूलन ज्ञात करने का सूत्र है,
तो अवमूलन ज्ञात करने का कौन सा सूत्र है? पहला ऑप्शन दे रखा है, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन और चारों ऑप्शन दे रखे हैं। पहला है पी माइनस एस अपॉन एल, दूसरा है पी प्लस एस अपॉन एल, फिर है पी गुणे एस अपॉन एल, फिर है पी माइनस एल अपॉन एल। तो जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 74 का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, पी माइनस एल एस अपॉन एल। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75। देखिए हमने 25 क्वेश्चन पढ़ लिए और अभी 25 क्वेश्चन बाकी हैं। टोटल इस वीडियो में 50 क्वेश्चन हैं और ये पार्ट टू चल रहा है। तो जिन्होंने पार्ट वन नहीं देखा है वो पार्ट वन देख लीजिए पहले। पार्ट वन में एक से लेके 50 तक क्वेश्चन हैं, तो पहले पार्ट वन आप देख लो, इसके बाद ये पार्ट टू देखना। और जिन्होंने एग्रोनॉमी नहीं पढ़ी है, एग्रोनॉमी की वीडियो नहीं देखी है, या जूलॉजी, बॉटनी, एनिमल हस्बेंड्री, वो जाइए हमारे चैनल पे और यूपी कैडेट की प्लेलिस्ट होगी, यूपी कैडेट के प्लेलिस्ट से आप पढ़ लीजिए। वो पांच सब्जेक्ट मैं ऑलरेडी कंप्लीट करा चुका हूँ और ये छठा सब्जेक्ट चल रहा है कृषि अभियंत्रण का, तो पांचों सब्जेक्ट आप अच्छे से पढ़ लीजिए। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कल्टीवेटर की अनुमानित आयु होती है, जो कल्टीवेटर है वो उसकी अनुमानित आयु होती है कितनी? ए ऑप्शन है 5 वर्ष, बी ऑप्शन है 10 वर्ष, सी ऑप्शन है 15 वर्ष और डी ऑप्शन है 20 वर्ष। तो जल्दी से कमेंट करके बताना है क्वेश्चन नंबर 75 का करेक्ट आंसर क्या होगा। कल्टीवेटर की अनुमानित जो आयु है वो कितनी होती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन, कितना? 10 वर्ष। तो क्वेश्चन नंबर 76 है, 8 घंटे सीड ड्रिल द्वारा कितने क्षेत्रफल की बुवाई की जा सकती है? ए ऑप्शन, एक पहला ऑप्शन है 1 हेक्टेयर, बी ऑप्शन है 0.5 हेक्टेयर, सी ऑप्शन है 1.25 हेक्टेयर, डी ऑप्शन है 1.75 हेक्टेयर। तो क्वेश्चन नंबर 76 का करेक्ट आंसर बताना है, करेक्ट आंसर इसका क्या होगा क्वेश्चन नंबर 76। अगर हम इसकी राइट आंसर की बात करें तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, 1.75 हेक्टेयर। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77। कानपुर कल्टीवेटर का कुल खिंचाव होता है, कानपुर कल्टीवेटर का कुल खिंचाव होता है कितना? ए ऑप्शन है 80 किलोग्राम, बी ऑप्शन है 95 किलोग्राम, सी ऑप्शन है 115 किलोग्राम और डी ऑप्शन है 138 किलोग्राम। तो क्वेश्चन नंबर 77 का करेक्ट आंसर बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। कानपुर कल्टीवेटर का कुल खिंचाव होता है 115 किलोग्राम, कितना? 115 किलोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, आल पैड ब्रेसर में कुल तवे की संख्या होती है, आल पैड ब्रेसर में कुल तवे की संख्या होती है। ए ऑप्शन है 20, बी ऑप्शन है 15, सी ऑप्शन है 25, डी ऑप्शन है 30। जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 78 का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो आल पैड ब्रेसर में कुल तवे की संख्या होती है 20, ए वाला ऑप्शन बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 79, इस क्वेश्चन को मिलाना है, इधर दिए हैं ए बी सी डी, ये डी है और इधर दिया है 1 2 3 4। तो 79 का आपको करेक्ट आंसर बताना है मिलान करके कौन सा होगा। ये देखिए दे रखे हैं इसके कूट, ठीक है। तो अगर हम 79 क्वेश्चन की बात करें तो इसमें सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अभी देखो मिला देते हैं, ए का दूसरा, ए को मिलाओगे 2 से, ठीक है, बी को मिलाओगे 3 से और सी को मिलाओगे 4 से और डी को मिलाओगे आप 1 से। इस प्रकार से ये मिलान होगा, ठीक। चलते हैं आगे की ओर, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80 आपकी स्क्रीन पे लग चुका है। डिस्क हल्का टिल्ट कोण समानता होता है, डिस्क हल्का टिल्ट कोण समानता कितना होता है? ए ऑप्शन है 0 डिग्री, बी ऑप्शन है 15 डिग्री, सी ऑप्शन है 20 डिग्री और डी ऑप्शन है 45 डिग्री। तो क्वेश्चन नंबर 80 का करेक्ट आंसर आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो ये हो जाएगा 15 डिग्री। डिस्क हल्का टिल्ट कोण समानता होता है कितना? 15 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन कह रहा है डिस्क हल्का डिस्क कोण होता है, ए ऑप्शन है 42 से 45 डिग्री, बी ऑप्शन है 38 से 40 डिग्री,
सी ऑप्शन है 34 से 37 डिग्री और डी ऑप्शन है 30 से 35 डिग्री। तो क्वेश्चन नंबर 81 का करेक्ट आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 81 का ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, 42 से 45 डिग्री, 42 से 45 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82 का करेक्ट आंसर है मोर का आकार होता है, मोर का आकार होता है कितना। ए ऑप्शन है कटर बार की लंबाई, बी ऑप्शन है कैक क्रैक सॉफ्ट की लंबाई, सी ऑप्शन है पीटरमैन की लंबाई और डी ऑप्शन है रेजर लेजर प्लेट की लंबाई का आधा। तो क्वेश्चन नंबर 82 का करेक्ट आंसर आपको बताना है, इसका राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर की बात करें तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, कटर बार की लंबाई, क्या हो जाएगा, कटर बार की लंबाई, ए वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है 83वां, डायनामोमीटर द्वारा ज्ञात किया जाता है। ए ऑप्शन है कूड़ की चाल, बी ऑप्शन है कूड़ की अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, सी ऑप्शन है हल्का संपूर्ण खिंचाव, डी ऑप्शन है मृदा प्रतिरोध। तो क्वेश्चन नंबर 83 है, इसका राइट आंसर आपको बताना है, करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका हो जाएगा हल्का संपूर्ण खिंचाव, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 84 नंबर, हल के खिंचाव को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक हैं। तो ए ऑप्शन है कूड़ की चौड़ाई, बी ऑप्शन है कूड़ की गहराई, सी ऑप्शन है कूड़ का प्रतिरोध, डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 84 का करेक्ट आंसर आपको बताना है, उपरोक्त सभी वाला इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन। तो 84 क्वेश्चन आपने पढ़ लिए, अभी 16 क्वेश्चन अभी पढ़ना बकाया है। तो वीडियो को लाइक नहीं करा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, जितने बच्चे देख रहे हैं वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो की लिंक को अपने सभी दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए। तो 86 नंबर क्वेश्चन है, हल्की खिंचाव शक्ति ज्ञात की जाती है। तो हल्की खिंचाव शक्ति ज्ञात की जाती है किसके माध्यम से। ए ऑप्शन है डायनामोमीटर के द्वारा, बी ऑप्शन है स्पीडोमीटर, सी ऑप्शन है वोल्टमीटर और डी ऑप्शन है हाइड्रोमीटर के द्वारा। तो क्वेश्चन नंबर 85 का करेक्ट आंसर आपको बताना है, अभी ये क्वेश्चन ऊपर वाले में जो पढ़ाया था वही क्वेश्चन है, डायनामोमीटर हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 86, देखिए सूत्र दे रखा है ये 86 में क्वेश्चन में, ड्रा बार ज्ञात करने का सूत्र। पहला क्वेश्चन, पहला सूत्र ये है, दूसरा सूत्र, तीसरा सूत्र और देखिए आगे दे रखा है ये वाला चौथा सूत्र। एक सूत्र सही है आपको, आपका जो सही वाला है वो आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 86 में। 86 का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो जो सी वाला आंसर है ये वाला सही हो जाएगा। ड्रा बार अश्व शक्ति बराबर, ये सही हो जाएगा आपका, कुल खिंचाव किलोग्राम गुणे चाल मीटर प्रति मिनट अपॉन 4500, ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 87, तो ये भी सूत्र है, यंत्रों की कार्य क्षमता ज्ञात करने का सूत्र बताइए। तो इसमें एक सूत्र सही है, जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 87 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसमें ये डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, क्षेत्रफल वर्ग मीटर बराबर WSH अपॉन 1000 गुणे 100 माइनस प्रतिशत नष्ट समय अपॉन 100। क्वेश्चन नंबर 88, एक अश्व शक्ति के द्वारा किया गया कार्य होता है, बताना है आपको कितना होता है। क्वेश्चन नंबर 88, अश्व शक्ति बराबर 735.5 बार, अश्व शक्ति बराबर 75 किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड प्रति नष्ट समय, या फिर अश्व शक्ति बराबर 4500 किलोग्राम मीटर प्रति मिनट, या डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 88 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 89 नंबर क्वेश्चन है, ये देखिए अंक क्वेश्चन आ गए आपके 89वां, आपको मैं क्वेश्चन ड्रॉप कर रहा हूँ, इसमें समय लगेगा थोड़ा सा और इसमें भी समय लगेगा क्योंकि ये अंक क्वेश्चन है और इसमें भी समय लगेगा 91 में भी, ठीक है, ये अंक क्वेश्चन थे।
स्क्रीन शॉट ले लीजिए आपके क्वेश्चन का। चलिए आप स्क्रीन शॉट ले लीजिए और इसका सॉल्व कर लेना। नवासी का स्क्रीन शॉट ले लो, सॉल्व करके बताना कितना आंसर आया। 90वें क्वेश्चन का आप स्क्रीन शॉट ले सकते हैं। इसके बाद ये 51वां क्वेश्चन नंबर है, इसका भी स्क्रीन शॉट आप ले सकते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब हम क्वेश्चन पे चलेंगे, 52वें क्वेश्चन पर। हल को खींचने में लगे समस्त खिंचाव का कितना प्रतिशत कूड़ काटने में लगता है? तो ए ऑप्शन है 20%, बी ऑप्शन है 32%, सी ऑप्शन है 48% और डी ऑप्शन है 58%। तो क्वेश्चन नंबर 52 का करेक्ट आंसर आपको बताना है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा 48%। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पंप पानी में डूबा रहता है? तो निम्न में से कौन सा पंप पानी में डूबा रहता है? ए ऑप्शन है विकेंद्रीय पंप, बी ऑप्शन है टर्बाइन, सी ऑप्शन है विस्थापन पंप और डी ऑप्शन है सबमर्सिबल पंप। तो एक क्वेश्चन सही है, क्वेश्चन नंबर 93। जल्दी से करेक्ट आंसर बताइए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सबमर्सिबल पंप हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 94। टरबाइन पंप में अधिकतम इंपेलर हो सकते हैं, यानी टरबाइन पंप में अधिकतम इंपेलर हो सकते हैं कितने? ए ऑप्शन है 20, बी ऑप्शन है 15, सी ऑप्शन है 10, डी ऑप्शन है 30। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 94, क्वेश्चन नंबर 94 की बात करें हम, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 20। क्वेश्चन नंबर 95, एक इंपेलर से कितनी ऊंचाई तक पानी उठा सकते हैं? एक इंपेलर से कितनी ऊंचाई तक पानी उठा सकते हैं? ए ऑप्शन है 3 से 4 मीटर, बी ऑप्शन है 5 से 8 मीटर, सी ऑप्शन है 10 से 12 मीटर और डी ऑप्शन है 12 से 15 मीटर। तो क्वेश्चन नंबर 95 का करेक्ट आंसर आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 95 का अगर हम करेक्ट आंसर की बात करें तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, 5 से 8 मीटर। क्वेश्चन नंबर 93, निम्न में से कौन सा पंप पानी में डूबा रहता है? तो निम्न में से कौन सा पंप पानी में डूबा रहता है? ए ऑप्शन है विकेंद्रीय पंप, बी ऑप्शन है टर्बाइन, सी ऑप्शन है विस्थापन पंप और डी ऑप्शन है समरसेबल पंप। क्वेश्चन नंबर 93, ये तो मैंने करा दिया है, समरसेबल पंप था इसमें और इसमें 20 था। 94वें क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 95, एक इंपेलर से कितनी ऊंचाई तक पानी उठा सकते हैं, ये क्वेश्चन चल रहा था। क्वेश्चन नंबर 95 का करेक्ट आंसर आपको बताना था, तो इसमें हो जाएगा बी, 5 से 8 मीटर। 96, विकेंद्रीय पंप में पानी उठाया जाता है, ए ऑप्शन है सॉफ्ट बेयरिंग द्वारा, बी ऑप्शन है प्लेंजर पंप द्वारा, सी ऑप्शन है इंपेलर द्वारा, डी ऑप्शन है इसमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 96 का आपको करेक्ट आंसर बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसमें हो जाएगा इंपेलर द्वारा, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, विकेंद्रीय पंप की आरपीएम है, तो जो विकेंद्रीय पंप है की आरपीएम है वो कितनी है? ए ऑप्शन है 300 चक्कर प्रति मिनट, बी ऑप्शन है 600 चक्कर प्रति मिनट, सी ऑप्शन है 900 चक्कर प्रति मिनट और डी ऑप्शन है 1400 चक्कर प्रति मिनट। तो क्वेश्चन नंबर 97 का करेक्ट आंसर आपको बताना है, इसके अगर करेक्ट आंसर की बात करें तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, 1400 चक्कर प्रति मिनट। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 98, समरसेबल पंप से पानी अधिकतम कितनी गहराई से उठाया जा सकता है? समरसेबल पंप से पानी अधिकतम कितनी गहराई से उठाया जा सकता है? ए ऑप्शन है 50 मीटर, बी ऑप्शन है 150 मीटर, सी ऑप्शन है 300 मीटर और डी ऑप्शन है 490 मीटर। तो जल्दी से कमेंट करके बताना है इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 98 क्वेश्चन की बात करें तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, 300 मीटर। क्या हो जाएगा? 300 मीटर। क्वेश्चन नंबर 99, पाइपिंग
का तात्पर्य क्या है? ए ऑप्शन है पंप से हवा को बाहर निकालना, बी ऑप्शन है पंप से हवा को भरना, सी ऑप्शन है इंपालर की गति को बढ़ाना, डी ऑप्शन है पंप में लुब्रिकेशन करना। तो जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 99 का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो पाइपिंग का क्या तात्पर्य है? पंप से हवा को बाहर निकालना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, आज की वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है, तो वीडियो को लाइक नहीं करा प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो की लिंक को अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिए। लगभग 30 मिनट में मैंने आपको 50 क्वेश्चन पूरे करा दिए हैं। बी केंद्रीय पंप का अधिकतम चूसड़ लिफ्ट है। ए ऑप्शन है 3.5 मीटर, बी ऑप्शन है 6.5 मीटर, सी ऑप्शन है 9.5 मीटर और डी ऑप्शन है 12.5 मीटर। तो क्वेश्चन नंबर 100 का करेक्ट आंसर आपको बताना है, तो इसमें हो जाएगा राइट आंसर बी वाला ऑप्शन 6.5 मीटर। तो देखिए अब लगभग आपके अभियंत्रण कृषि अभियंत्रण का ये पार्ट टू था। पार्ट वन में 50 क्वेश्चन मैंने आपको करवाए थे और ये पार्ट टू है, इसमें भी 50 क्वेश्चन आपके हो गए। लगभग 100 क्वेश्चन आपके मैं करा चुका हूँ और अभी 100 क्वेश्चन और कराने हैं। करीब 200 क्वेश्चन की ये सीरीज चलेगी। 200 क्वेश्चन की सीरीज के साथ साथ इसके बाद नेक्स्ट सब्जेक्ट आपका शुरू हो जाएगा जो सा भी हो, ठीक है। तो बस इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।